माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। भक्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को माता रानी जी के दरबार के सुंदर और ताजे दर्शन कराने जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि माता रानी जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। इसी के साथ आप देख सकते हैं माता रानी जी के दरबार का सुंदर नजारा। कई सारे भक्तों का सवाल था कि यात्रा मार्ग में बच्चे और बड़ों को जाने की अनुमति है कि नहीं, तो हम आपको बता दें कि यात्रा मार्ग में अब ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है। आप छोटे बच्चों को भी लेकर जा सकते हैं और यदि घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो वे भी यात्रा पर जा सकते हैं, क्योंकि यात्रा मार्ग में अब आपको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे कि घोड़े, पिट्ठू, पालकी, इन सभी की सुविधा आपको यात्रा मार्ग में मिल जाएंगी। साथ ही ऑनलाइन बैटरी कार की सुविधा भी आपको दी जा रही है। रोप वे भी आपको भवन से भैरव घाटी तक और भैरव घाटी से भवन तक के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो आप हेलीकॉप्टर से भी यात्रा कर सकते हैं। तो भक्तों, आपको बता दें कि यात्रा मार्ग में अभी कोई भी परेशानी नहीं है। भक्त आराम से माता रानी जी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। आप देख सकते हैं यात्रा मार्ग में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। अभी कई सारे भक्त माता रानी जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हालांकि यात्री संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है, पर चूंकि आपको पता है कि ट्रेन चलना शुरू हो गई है, जिसके चलते धीरे धीरे यात्रियों की संख्या बढ़ जाएगी। अभी तक भक्तों को जो कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था वो था ट्रेन, क्योंकि ट्रेन न चलने के कारण भक्तों को कटरा तक पहुंचने में बहुत ही ज़्यादा असुविधा हो रही थी। पर चूंकि ट्रेन चलना शुरू हो गई है तो अब कई सारे भक्त माता रानी जी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। यदि आपको भी यात्रा पर जाना है तो आप भी अपनी ट्रेन बुक कराकर यात्रा पर जा सकते हैं। इसके अलावा अभी भी आपको अपने कोविड की निगेटिव रिपोर्ट लेकर जाना बहुत ज़रूरी है, जो कि 48 आवर्स से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। पर आप लोग परेशान ना हो, यदि आप अपना टेस्ट नहीं करा पाते हैं तो लखनपुर में भी कोविड का टेस्ट हो रहा है, आप वहां पर भी अपना टेस्ट कराकर आगे यात्रा पर जा सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि लखनपुर में टेस्ट कराते समय आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़े, तो यदि आप थोड़ी सुविधा चाहते हैं तो आप घर से ही अपना टेस्ट करा कर जाएं। इसके अलावा भक्तों को बता दें, यात्रा मार्ग में चलने में कोई परेशानी नहीं आ रही है। मौसम भी बहुत अच्छा है, हालांकि ठंड है वहाँ पे, तो आप अपने ठंड के कपड़े ज़रूर लेके जाएं। भवन पे आपको कंबल मिल जाएंगे, खाने की भी उचित व्यवस्था है वहाँ पे। सागर रत्न जैसे रेस्टोरेंट वहाँ पे खुले हुए हैं, तो आपको खाने में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके अलावा भीड़ बहुत कम है, तो माता रानी जी के दर्शन आपको बहुत ही अच्छे से होने वाले हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन आपको माता रानी जी के प्राप्त होंगे। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि यदि आप यात्रा पर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी संकोच ना करें। माता रानी जी के दरबार आप सभी भक्तों के लिए खुले हैं, आप जब चाहे माता रानी जी की यात्रा पर जा सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि त्रिकुट पर्वत के बीच में माता रानी जी का भवन कितना सुंदर और कितना मनमोहक लग रहा है। भवन के इस नज़ारे को देखने से ही मात्र मन को इतनी शांति मिल जाती है। यदि हम माता रानी जी की यात्रा पर जाएंगे तो सोचिए हमें कितना आनंद और कितना अच्छा अनुभव होगा। तो आप सभी देख सकते हैं माता रानी जी के भवन का सुंदर नज़ारा। घर बैठे ही आप माता रानी जी के दरबार के सुंदर दर्शन कर सकते हैं।
ये देखिए कुछ भक्त माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी रोप वे के थ्रू जा रहे हैं। आप रोप वे से ही माता रानी जी के भवन का सुंदर दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है माता रानी जी का भवन। साथ ही रोप वे का जो सफ़र है वो कैसा होता है वो भी आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। बच्चों का खास ख्याल रखें, तो उन्हें पकड़ कर रखें। कैबिन के ऊपर और दाएं बाएं लगी रेलिंग को मजबूती से पकड़ कर रखें। कैबिन के अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल। यात्रा पूरी होने पर कैबिन से बाहर निकलना जरूरी। यात्रा पूरी होने तक अपनी टिकट को संभाल कर रखें। भैरव मंदिर में उतरते समय दरवाजा दाईं तरफ खुलेगा और भवन में उतरते समय दरवाजा बाईं तरफ खुलेगा। जय माता दी। जय माता दी। यहाँ पर आप भैरव घाटी के सुंदर नज़ारे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मौसम कितना सुंदर और सुहावना लग रहा है। और यहाँ पे आप भैरव बाबा के मंदिर का पूरा दृश्य देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि त्रिकुट पर्वत के बीच में भैरव बाबा का ये जो मंदिर है कितना सुंदर लग रहा है। तो भक्तों प्रेम से बोलिए जय माता जी की। वैष्णो देवी जी से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी जी की कृपा से हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकें। जय माता जी की।